अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम करती हूं। हमारी आज की रेसिपी है चिकन टिक्का स्पैगेटी, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। स्पैगेटी एक पैकेट, लहसुन एक खाने का चम्मच, होममेड टिक्का मसाला 2 खाने की चम्मच, टमाटर 6 अदद, शिमला मिर्च एक दरमियानी साइज की, चिकन 250 ग्राम, तेल 4 खाने की चम्मच, सफेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, जिंजर पाउडर आधा चाय का चम्मच, पापरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, केचप 2 खाने की चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने की चम्मच और हरी प्याज 1 अदद। सबसे पहले हमने पतीले में पानी बॉईल करने रख दिया था। हमारा पानी बॉईल हो चुका है। हम इसमें एक पैकेट स्पैगेटी डालेंगे और साथ ही 2 खाने के चम्मच नमक शामिल करेंगे। जब तक स्पैगेटी बॉईल हो रही है, हम दूसरे पैन में स्पैगेटी सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हम आधा कप पानी डालेंगे और साथ ही हमारे जो टमाटर हैं उन्हें भी डाल देंगे। टमाटरों को हमें तब तक पकाना है जब तक वो बिल्कुल नरम ना हो जाए और उनका छिलका आसानी से ना उतर जाए। दूसरी तरफ हमारी स्पैगेटी भी बॉईल हो रही है। अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और आसानी से इनका छिलका भी उतर रहा है। सारे टमाटरों का छिलका उतार लेंगे और फिर उसे ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास जो पानी पतीले में बच जाए उसे भी आप यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही ब्लेंडर में वो पानी डाल देंगे और अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है सॉस बनाने के लिए। अब हम पतीले में ऑयल डालेंगे। चॉप्ड लहसुन जो हमने चॉप करके रखा है उसे हाफ डालेंगे। हमें लहसुन उस वक्त तक पकाना है जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसे बिल्कुल भी काला नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन करना है। और जब खुशबू आने लगे तो हम इसमें टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं वो डाल देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जिंजर पाउडर डालेंगे, अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप अदरक यूज कर लें। ऑरेगानो डालेंगे, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप कोई भी हर्ब यूज कर सकते हैं। सफेद मिर्च डालेंगे, पेपरिका पाउडर डालेंगे, अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं और काली मिर्च डालेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें केचप ऐड करेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी सॉस गाढ़ी ना हो जाए। इसे तकरीबन 2 मिनट लगेंगे।
हमारी सॉस रेडी हो चुकी है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। स्पेगेटी भी बॉईल हो चुकी है, इसे मैंने ऑयल लगा के रख दिया है। अब दूसरे पैन में हमने बचा हुआ जो ऑयल था वो गरम किया है और जो हाफ गार्लिक हमने पहले बचाया था वो डाल दिया है और उसे भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब बोनलेस चिकन डालेंगे। हमारा चिकन कुक हो गया है, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये होममेड टिक्का मसाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। नमक डालेंगे, इसे अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। शिमला मिर्च डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब हमारी जो सॉस हमने रेडी की है स्पेगेटी सॉस, वो भी ऐड कर देंगे। सोया सॉस शामिल करेंगे। हमारी बॉयल स्पैगेटी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आखिर में जो हमने कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून लिया था उसे 2 टेबल स्पून पानी में घोल लिया था हमने, वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले स्पेगेटी में बाइंड हो जाए। अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह हिला के पकने के लिए रख देंगे। हमारी चिकन टिक्का स्पेगेटी रेडी है, इसे ग्रीन ऑनियन से गार्निश करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी तमाम नई रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।